कहानी की शुरुआत टायलर नाम के एक शख्स से शुरू होती है जो ट्रेन से जा रहा होता है। टायलर जो बताता है कि मैंने अपने जिंदगी में एक डिसीजन लिया है जिससे मेरी जिंदगी बदलने वाली है। नॉर्थ पहुंचने के तीसरे दिन वो बहुत डरने लगा। आखिरकार वो नॉर्थ सेक पहुंच जाता है। अपना सारा सामान लेकर टायलर रेलवे स्टेशन पर बैठा होता है। इसके बाद टायलर एक होटल में जाता है और एक आदमी को बताता है कि वो नॉर्थ में जाने वाला है। वो आदमी टायलर को मना करता है। वो कहता है, वहाँ मत जाओ, वहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ बर्फ और झाड़ है। वो कहता है, तुम्हें वहाँ खाने को कुछ नहीं मिलेगा बल्कि तुम जानवरों का खाना बन जाओगे। मगर टायलर उस आदमी की बात नहीं मानता और नॉर्थ जाने के लिए निकलने लगता है। टायलर अपना सारा सामान एयरक्राफ्ट में रखता है और रोजी नाम के शख्स के साथ निकल जाता है। मगर उनका एयरक्राफ्ट काफी पुराना होता है, वो ज्यादा सामान की वजह से बंद पड़ जाता है। रोजी टायलर से अपना कुछ सामान फेंक देने को कहता है। टायलर अपने बड़े बड़े बॉक्सेस फेंक देता है और फिर एयरक्राफ्ट चलना शुरू हो जाता है। टायलर कहता है, ये तो बस शुरुआत है और अब मैं पीछे नहीं पलट सकता। ऐसे ही पहाड़ों के बीच से टायलर नॉर्थ में बहुत दूर पहुंच जाता है। कुछ घंटों के सफर के बाद टायलर नीचे बर्फीले पहाड़ों को देखकर सोचता है, मैं यहाँ 6 घंटे भी नहीं रह पाऊंगा और मुझे 6 महीने निकालने हैं। अब रोजी टायलर से पूछता है, तो क्या है वहाँ ब्लैकस्टोन वैली में, तेल, सोना या मैगनीज, किसकी तलाश में हो तुम? टायलर कहता है, यह तो मैं बता नहीं सकता। रोजी कहता है, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ, गोल्ड नॉर्थ में नहीं साउथ में है। अब अचानक रोजी का एयरक्राफ्ट फिर से आसमान में ही बंद पड़ जाता है। टायलर बहुत घबरा जाता है। रोजी एक स्क्रू टाइट करने वाला पाना निकालता है और चलते एयरक्राफ्ट के बाहर चला जाता है। रोजी टायलर से एयरक्राफ्ट चलाने को कहता है। टायलर एयरक्राफ्ट चलाता है और फिर कुछ देर बाद रोजी स्क्रू टाइट करके अंदर आ जाता है। अब कुछ देर बाद रोजी टायलर को उस पहाड़ी पर छोड़ देता है जहां वो 6 महीनों के लिए रहने वाला है। रोजी टायलर का सारा सामान तुरंत बाहर फेंकता है और टायलर से 6 महीने बाद मिलने का कहकर चला जाता है। टायलर को अपने आसपास बर्फ और खुले पहाड़ के अलावा और कुछ नहीं दिखता। टायलर का सारा सामान यूं ही हर जगह फैला होता है और उसे अपने यहाँ आने के फैसले पर पछतावा होने लगता है। मगर अब वो कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपनी सिगरेट जलाता है और खाने का सामान निकालता है। जब टायलर देखता है तो उसका खाना पूरा जमा हो चुका है। उसके पास कुछ कैन फूड, डॉक्यूमेंट्स और बल्ब होते हैं। अब कुछ देर बाद टायलर रेडियो ऑन करता है और गाने सुनने लगता है। ऐसे ही शाम हो जाती है। टायलर बताता है, आज 23 मार्च है और आज उसके प्रोजेक्ट लुपिन का पहला दिन है। वो अपने बारे में बताता है कि वो यहाँ कैसे आया और कैसे वो एक खुले बर्फ के मैदान में बैठा हुआ है। उसी समय अचानक टायलर को कुछ आवाजें आने लगती हैं। वो यहाँ वहाँ देखने लगता है तो उसे झाड़ियों के पास से बहुत सारे भेड़िए आते हुए नजर आते हैं। यह देखकर टायलर घबरा जाता है। वो तुरंत अपनी राइफल निकालता है और बोट के नीचे खुद को छुपा लेता है। टायलर देखता है वो भेड़िए उसके आसपास ही हैं। तभी टायलर को किसी इंसान के पैर दिखते हैं। अचानक से उसे चिल्लाने की आवाज आने लगती है। टायलर घबरा जाता है। उसे लगता है उन भेड़ियों ने उसे खा लिया। मगर वो आदमी नाव हटाता है और टायलर को इशारा करके बाहर बुलाता है। वो आदमी टायलर को अपने साथ चलने को कहता है। टायलर कहता है, मेरे पास सामान है, क्या तुम थोड़ी मदद करोगे इसे ले जाने में? मगर वो आदमी टायलर से बिना कुछ कहे अपनी भेड़ियों की बनाई गई सवारी में निकल जाता है। टायलर को समझ नहीं आता उसे क्या करना चाहिए। वो उस आदमी के पीछे भागने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं टायलर बहुत घंटों तक उस आदमी के पीछे भागते हुए जाता है। मगर कुछ देर बाद वो अचानक गिर जाता है। वो आदमी वापस आता है और फिर टायलर को अपनी सवारी में डालकर ले जाने लगता है। कुछ देर बाद जब टायलर की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है वो आदमी उसके सामने बैठा है। वो आदमी टायलर को अपना नाम ऊटेक बताता है और बस टायलर को देखकर मुस्कुराने लगता है। अगली सुबह टायलर उठता है और देखता है वो बर्फ के बीच एक झोपड़ी में है और उसका सारा सामान भी बाहर रखा हुआ है। टायलर ऊटेक को काफी आवाज देता है मगर ऊटेक वहाँ नहीं होता। टायलर की सारी बातें टाइप करके लिखता है। ऐसे ही अब कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टायलर बार फाइल मैदान में भाग रहा होता है। तभी अचानक कुछ भेड़ियों उस पर हमला कर देते हैं, पर यह सिर्फ टायलर का एक सपना होता है। जैसे ही टायलर की आंखें खुलती हैं, वो देखता है उसके बाजू में बहुत सारे चूहे के बच्चे हैं जो शायद अभी पैदा हुए हैं। टायलर उन सभी को एक टोकरी में रखता है और टाइप करता है, आज 1 अप्रैल है और अब बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी है। टायलर की झोपड़ी में हर जगह से पानी गिर रहा होता है, मगर टायलर अपने काम को लेकर काफी सीरियस होता है। वो बिना रुके अपने रिसर्च का काम जारी रखता है। अब टायलर बाहर निकलता है और रिसर्च करने जंगल की तरफ जाने लगता है।
मगर अचानक वो एक नदी के अंदर गिर जाता है जो कि बर्फ की वजह से उसे नहीं दिखती। टायलर बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है मगर उसे कोई रास्ता नहीं दिखता। इसके बाद वो अपनी गन से बर्फ तोड़ता है और बाहर आ जाता है। कुछ देर बाद वो आग जलाता है और अपने सारे कपड़ों को सुखाता है। देखते ही देखते पहाड़ की सारी बर्फ पिघल जाती है और फिर टायलर अपना कैंप लगाता है। वो बताता है आज 15 अप्रैल है और गर्म मौसम की वजह से यहाँ काफी अच्छा सुकून लग रहा है। अब यूं ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और मई का महीना शुरू हो जाता है। टायलर को अपनी रिसर्च में ज्यादा कोई जानकारी नहीं मिलती मगर उसे हर रात भेड़ियों की आवाजें सुनाई देती है। एक दिन टायलर उन्हें ढूंढने निकल जाता है और उसे वहाँ एक सफेद भेड़िया नजर आता है। टायलर उसका पीछा करता है और पहाड़ों में काफी दूर चला जाता है। टायलर को उस भेड़िए की गुफा मिल जाती है। अगली सुबह वो अपने दूरबीन और कुछ सामान के साथ उस भेड़िए के बारे में जानकारी निकालने जाता है मगर टायलर जिस पोजीशन में अपनी दूरबीन रखा करता था भेड़िया हमेशा उसके दूसरी तरफ आकर खड़ा हो जाता था और बस टायलर को देखने लगता था। जब भी टायलर कुछ करता तो भेड़िया हमेशा उसके आसपास होता था मगर वो टायलर पर हमला नहीं करता था। एक दिन टायलर अपने कैंप में बैठकर भेड़िए के बारे में लिख रहा होता है कि मैंने उस भेड़िए को 2 दिन से नहीं देखा। उसी समय अचानक वो भेड़िया टायलर के कैंप के पास आ जाता है। वो भेड़िया टायलर के काफी करीब होता है मगर वो टायलर को इस बार भी कुछ नहीं करता। वो टायलर के एक बॉक्स पर टॉयलेट कर देता है और वहां से चला जाता है। इससे टायलर को कुछ समझ आता है। वो भी कुछ जगह टॉयलेट करता है और अपने कैंप के पास एक बाउंड्री बना देता है। अगली सुबह वो भेड़िया फिर से टायलर के कैंप के पास आता है और वो सूंघ कर पता लगा लेता है कि टायलर ने अपनी एक बाउंड्री बनाई है। भेड़िया उस जगह से थोड़ी दूरी पर चला जाता है। टायलर को समझ आ जाता है कि भेड़िए ने टायलर की बाउंड्रीज को स्वीकार कर लिया है। ऐसे ही रोज वो भेड़िया टायलर को दूर से देखा करता था और टायलर उसे वो बताता है मुझे भेड़िए के बर्ताव को देखना है और जानना है मगर यहाँ भेड़िया मेरे बर्ताव को देख रहा है और मुझे जान रहा है। टायलर अपनी नोटबुक में उस भेड़िए का नाम जॉर्ज रखता है। एक दिन टायलर को जॉर्ज के साथ एक और सफेद भेड़िया नजर आता है। टायलर दूसरे का नाम एंजेलिन रखता है। ऐसे ही धीरे धीरे टायलर को उनके बच्चे भी नजर आते हैं जो 3 होते हैं। जॉर्ज के बच्चे अक्सर उसके साथ खेला करते थे और टायलर ये सब बातें अपनी नोटबुक में लिखा करता था। हर रात जॉर्ज पहरा देने चला जाता था और एंजेलिन अपने बच्चों के साथ वहीं गुफा के पास रहा करती थी। मगर टायलर बताता है एंजेलिन को भी जॉर्ज के साथ रात के पहरे के लिए जाना होता है। असल में टायलर की सारी रिसर्च इसलिए कर रहा होता है क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कैरिबो जिन्हें रेनडियर कहा जाता है वो कम ही रहे हैं और उनके पीछे का कारण ये भेड़िए हैं जो उन्हें खा लेते हैं। मगर टायलर बताता है अब तक मैंने यहाँ एक भी रेनडियर नहीं देखी ना ही इन भेड़ियों को कुछ खाते हुए देखा है। टायलर के पास खुद ज्यादा खाने का सामान नहीं होता मगर भेड़िए बिल्कुल तंदुरुस्त होते हैं। टायलर को जानना होता है कि वो क्या खाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं टायलर कुछ रिसर्च कर रहा होता है तभी वो एक बॉक्स के अंदर एक चूहे को देखता है। अचानक वो नोटिस करता है कि उसके आसपास काफी चूहे हैं। एक दिन टायलर एंजेलिन को कुछ खाते हुए देखता है और उसे पता चल जाता है कि ये भेड़िए चूहे खाते हैं। एक रात टायलर सोच रहा होता है कि ये भेड़िए इतने बड़े हैं और ये सिर्फ इन छोटे चूहों को खाकर जिंदा रह सकते हैं। टायलर सोचता है वो एक एक्सपेरिमेंट करेगा। वो उन चूहों से बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वो हमेशा उसके आसपास रहा करते थे और उसे कुछ नहीं करने देते थे। अगली सुबह टायलर एक वाइन ग्लास निकालता है और चूहे को पकड़ता है। वो उसे खा लेता है। टायलर को उसका स्वाद बुरा नहीं लगता बल्कि वो तो काफी मजे लेकर उस चूहे को खा रहा होता है। तभी वो देखता है वहाँ बैठे चूहे उसे बहुत हैरानी से देख रहे होते हैं। टायलर पहले उनसे डर जाता है मगर उसके बाद वो उन्हें दिखा दिखा कर खाने लगता है जो देख कर सारे चूहे वहाँ से भाग जाते हैं। अब टायलर सुबह शाम रात सिर्फ चूहे खाया करता था और उसने कैन फूड खाना बंद कर दिया होता है। एक दिन वो देखता है 5 दूसरे भेड़िए एंजेलिन और जॉर्ज के पास आते हैं। टायलर को लगता है उन भेड़ियों के बीच झगड़ा होगा और वह बहुत कुछ देख पाएगा मगर ऐसा कुछ नहीं होता बल्कि वो सभी भेड़िए एक साथ खेलने लगते हैं। उनमें से एक पूरा भेड़िया बच्चों के साथ काफी खेला करता था। टायलर उसका नाम अंकल अल्बर्ट रख देता है। अब एंजेलिन वापस जॉर्ज को ज्वाइन कर सकती थी उनके रात के पहरे के लिए। अब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और 12 जुलाई आ जाता है और टायलर सोचने लगता है कि अगर मैंने इन भेड़ियों के बारे में अपनी दुनिया में बता दिया तो फिर इन भेड़ियों के साथ क्या होगा। उसी समय टायलर की नजर एक काले भेड़िए पर जाती है जो कभी कभी दिखता था मगर वो इन सफेद भेड़ियों के ग्रुप में नहीं होता। वो भेड़िया बस उन्हें दूर से देखता रहता है। टायलर कहता है वो भी मेरी थोड़ा एक नजर रखने वाला है। अब अगले दिन टायलर कुछ फूलों की तस्वीर ले रहा होता है और उन्हें करीब से देख रहा होता है तभी अचानक उसे किसी के आने की आवाज आती है।
टायलर देखता है वहाँ एक आदमी है। वो टायलर के पास आता है और उसके पीछे उटेक भी होता है। उटेक टायलर से हेलो कहता है और हमेशा की तरह मुस्कुराता है। अब रात में वो दोनों फिश खा रहे होते हैं और टायलर अपने लिए चूहा बना रहा होता है। टायलर कहता है, मैं फिश नहीं खाता। माइक पूछता है, तो तुम खाते क्या हो? फिर टायलर बताता है वो चूहे खाता है। टायलर बताता है, यह एक एक्सपेरिमेंट है जहाँ मैं देखना चाहता हूँ कि कोई बड़ा जानवर सिर्फ चूहे खाकर जिंदा रह सकता है या नहीं, इसलिए मैं सिर्फ चूहे खा रहा हूँ। माइक ये सारी बातें उटेक को ट्रांसलेट करके बता देता है। वैसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और टायलर, उटेक और माइक साथ रहने लगते हैं। जब टायलर अपना इंस्ट्रूमेंट बजाता है तो भेड़िए भी उसकी आवाज़ सुनकर चिल्लाते हैं। एक तरीके से वो उसका जवाब देते थे। एक दिन माइक टायलर से कहता है, मैं बार में एक लड़की से मिला था, उसे मेरे साथ घर चलना था पर मैंने उसे देखकर हंस दिया। माइक बताता है, तब से मेरे दांत नहीं है। टायलर बताता है, अब उटेक को उसके काम में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। वो टायलर का काम बहुत ध्यान से देखता है। एक दिन उटेक टायलर के साथ मिलकर एक ड्रम बनाता है। रात में उटेक टायलर को बताता है, जब वो छोटा था तो वो इन भेड़ियों का पीछा करता था। ये भेड़िए उटेक के लिए स्प्रिट की तरह है। उटेक बताता है, मैं 30 दिन बिना खाने और कपड़ों के रहा हूँ, पर एक दिन मैंने एक भेड़िए को देखा। मुझे लगा उस भेड़िए ने मेरा जिस्म खा लिया है, मगर वो सिर्फ उटेक का एक सपना था। ऐसे ही वो भेड़िए मेरे लिए हेल्पिंग स्प्रिट बन गए हैं। टायलर को याद आता है उसे भी ऐसे ही कोई सपना आया था। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टायलर माइक से पूछता है, ये भेड़िए ऐसे चिल्लाते क्यों हैं? माइक बताता है, वो अकेले होते हैं तो वो चिल्लाते हैं अपने दोस्तों को अपने पास बुलाने के लिए। इस तरह वो लोग मिल जाते हैं। माइक बताता है, ऐसे ही भेड़ियों को पकड़ा जाता है, जहाँ वो चिल्लाते हैं वहाँ जाकर उन्हें शूट कर दो। ये सब कहकर माइक उसे देखकर हंसता है। ये सब सुनकर टायलर बहुत हैरान हो जाता है। माइक कहता है, मेरे लिए भेड़िए पैसे कमाने का जरिया है। मगर टायलर को ये सब सुनकर अच्छा नहीं लग रहा होता, क्योंकि वो अब इन भेड़ियों से काफी घुल मिल चुका है। वो माइक से पूछता है, क्या तुम इन्हें भी मार दोगे? माइक कहता है, नहीं, तुम गुस्सा हो जाओगे अगर मैंने इन्हें मार दिया तो, पर मुझे मारने का मन है। देखते ही देखते अगस्त आ जाता है। टायलर कहता है, कुछ दिनों बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये भेड़िए मुझे बहुत याद आएंगे, मगर ये जगह मेरे लिए नहीं है, ये तो इन भेड़ियों की ही जगह है। टायलर कहता है, मैं इस बात को लेकर उदास नहीं होऊंगा, बस मैं यूनिवर्स को शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि मुझे ये मौका मिला। एक दिन जब उटेक की पूरी फैमिली नॉर्थ जा रही होती है तो वो लोग एक रात टायलर के घर पर रुकते हैं। रात में बात करते समय माइक टायलर को बताता है, एक बार एक औरत को बर्फ में एक होल नजर आया। जब उसने अंदर अपना हाथ डाला तो वहाँ उसे किसी चीज के होने का एहसास हुआ। इसके बाद जब उसने वो चीज बाहर निकाली तो वो रेनडियर था। माइक कहता है, उस समय लोगों को जीने के लिए खाना और कपड़े चाहिए थे, रेनडियर से उन्हें वो मिल सकता था। और ऐसे ही सारे हंटर्स ने सभी तंदुरुस्त और मोटे रेनडियर्स को मार दिया और जो बाकी बचे वो बीमार और कमजोर थे, और फिर उनकी प्रजाति बढ़ने लगी। उसी वजह से सभी बीमार पड़ने लगे। इसके बाद सभी उस औरत के पास गए जिसने रेनडियर्स को ढूंढा था। वो औरत सोचती है, इस बीमारी को खत्म करने के लिए मुझे कुछ ढूंढना पड़ेगा। और फिर तभी भेड़िए पैदा हुए और उन भेड़ियों ने उन बीमार रेनडियर्स को खत्म कर दिया। तभी उटेक की पत्नी कहती है, शायद तुम भी उटेक की तरह ही हो, यह कहकर वो मुस्कुराती है। तभी अचानक भेड़िए जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। टायलर माइक से कहता है, उटेक उनकी भाषा जानता है ना? माइक कहता है, हाँ, रेनडियर साउथ की तरफ आ रहे हैं और हॉन्टिंग अच्छी होने वाली है, सारे भेड़िए भी वहीं रहेंगे। अब अगले दिन टायलर और उटेक 3 दिन की कैंपिंग के लिए निकल जाते हैं। उटेक उसे बताता है वहाँ भेड़िए और रेनडियर्स रहेंगे। ऐसे ही कुछ दूर चलने के बाद वो लोग एक जगह पहुँचते हैं और रात वहीं बिताते हैं। अगले दिन उटेक एक जगह पर बैठकर अपना बनाया गया ड्रम बजा रहा होता है। वहीं टायलर अपने कपड़े उतार कर एक छोटी सी नदी में नहाने जाता है। वो बिना कपड़ों के जमीन पर लेट जाता है और फिर वहीं सो जाता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। टायलर अभी भी उसी हालत में सोया होता है। अचानक टायलर के आसपास बहुत सारे भेड़िए आ जाते हैं और वे बहुत सतर्क हो जाते हैं और अचानक यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। जैसे ही टायलर की आंखें खुलती हैं, वो देखता है उसके पास बहुत सारे रेनडियर्स हैं। टायलर उनके बीच से निकलने की कोशिश करता है, मगर वो वहाँ फंस चुका था। कुछ देर बाद सारे भेड़िए रेनडियर्स को वहाँ से भगा देते हैं। टायलर के सब होते हुए देख रहा होता है। वो देखता है भेड़िए अभी रेनडियर्स पर नजर रख रहे हैं, मगर कुछ ही देर में सारे रेनडियर्स टायलर की नजरों से ओझल हो जाते हैं। मगर एक रेनडियर्स को कुछ भेड़िए पकड़ लेते हैं और उसे मार कर खाने लगते हैं। अब टायलर उन भेड़ियों के पास जाने लगता है। उसे देखकर सारे भेड़िए पीछे हट जाते हैं। टायलर उस रेनडियर की हड्डी तोड़ता है और कहता है हड्डियों के अंदर वो बीमारी होगी और इसी वजह से उस औरत ने इस बीमारी को मारने का औजार इन भेड़ियों को चुना था। इसके बाद टायलर अपने कपड़े पहनता है, वो दूर उटेक को जाता हुआ देखता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो उटेक का ड्रम देखता है। अचानक टायलर को गोलियों की आवाज आने लगती है
उसे एक पहाड़ी के पीछे कुछ लोग नजर आते हैं जिनमें रोजी भी होता है। रोजी टाइलर को देखकर काफी हैरान हो जाता है। रोजी उसे पार्टी ज्वाइन करने को कहता है मगर टाइलर उनके साथ नहीं जाता और साइड में बैठा होता है। रोजी और उसके दोस्त मीट खा रहे होते हैं। टाइलर को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। कुछ देर बाद वो लोग रेनडियर्स की चमड़ी और सिर अपने एयरक्राफ्ट में डालकर निकलने लगते हैं। टाइलर को उसमें भेड़िए की भी चमड़ी नजर आती है। रोजी टाइलर को अपने साथ चलने को कहता है मगर टाइलर नहीं जाता। रोजी उसे धमकी देता है कि मुझे तुम्हारा कैंप पता है, मैं कुछ दिनों में वहाँ तुमसे मिलूंगा। अब टाइलर वापस अपने कैंप वाली जगह आता है मगर उसे वहाँ वे सफेद भेड़िए नहीं दिखते। वो उनकी गुफा के अंदर जाता है तो वहाँ बस उनके बच्चे होते हैं। टाइलर उनसे कहता है यहाँ बहुत अकेला लग रहा है, तुम्हारे माँ पिता कहाँ है? तभी वो एयरक्राफ्ट की आवाज सुनता है। रोजी टाइलर के सामने आकर अपनी एयरक्राफ्ट रोकता है। उसके एयरक्राफ्ट के ऊपर भेड़िए की पूंछ लगी होती है। टाइलर उसे यहाँ से जाने को कहता है और गुस्से में उसकी एयरक्राफ्ट पर शूट कर देता है। रोजी वहाँ से चला जाता है। टाइलर अपने कैंप में जाता है तो वहाँ उसे माइक दिखता है। वो कहता है मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ। टाइलर उसे उटेक के बारे में पूछता है। माइक कहता है मुझे नहीं पता। टाइलर माइक से पूछता है कि क्या तुमने जॉर्ज और एंजेलिन को देखा है? माइक कहता है वो नॉर्थ चले गए होंगे। टाइलर उसे बताता है उनके बच्चे यही हैं, वो ऐसे नहीं जा सकते। माइक उसे कहता है तुम अपने बारे में सोचो और उसे देखकर मुस्कुराता है। इस बार माइक के पूरे दांत होते हैं और वो वहां से चला जाता है। टाइलर उसे जाता हुआ देखता है और समझ जाता है उसने जॉर्ज और एंजेलिन को मार दिया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वापस वहां बर्फ आ गई है और भेड़ियों के बच्चे खेल रहे हैं। टाइलर कहता है आखिर में कोई जवाब नहीं था, बस शांति थी। टाइलर अपना इंस्ट्रूमेंट बजाता है और उसे भेड़िए के चिल्लाने की आवाज आती है। वो आसपास देखता है, उसे वहाँ वो काला भेड़िया दिखता है जो हमेशा अकेले रहा करता था और सब देखा करता था। देखते ही देखते बाकी भेड़िए भी वहीं आ जाते हैं और वे बच्चे उनके साथ मिल जाते हैं। उटेक दूर से खास कर ये सब देखता है और टाइलर को देखकर मुस्कुराता है। टाइलर कहता है शायद वो भेड़िए बहुत दूर चले गए, मुझे पता नहीं क्योंकि मैंने उन्हें जाते हुए नहीं देखा, मैं खुद वहां से चला गया। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है।